हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या डॉट इन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर के टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस की। सभी कॉलेजेस के बारे में हम आपको ब्रीफ में बताएंगे, उसके साथ साथ कॉलेजेस के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप ज्यादा जानकारी के लिए, डिटेल फी स्ट्रक्चर के लिए इन सभी को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एमबीए कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको जल्दी से जल्दी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस इन कानपुर में सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। 1959 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड है, इसकी ग्लोबल वर्ल्ड रैंकिंग 277 है और एशियन यूनिवर्सिटी में इसकी रैंक 72 है। 1:12 का स्टूडेंट रेशियो है। कैट में अगर आपकी एक अच्छी रैंकिंग है तो यहां पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कैट कट ऑफ 85-90% का होना चाहिए। एमबीए की फीस 1,54,000 पर एनम की है। यहां का हाईएस्ट प्लेसमेंट एमबीए कोर्स के लिए 12-15 लाख पर एनम का है। नंबर 2 पर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर को भी एमबीए कोर्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1921 का एस्टैब्लिशमेंट है, एनबीए अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। यहां पर भी एडमिशन आपको कैट में एक अच्छी रैंकिंग होने पर ही मिलता है। यहां की फीस अप्रॉक्स 1,20,000 पर एनम की है और यहां से आपको एवरेज 6-8 लाख का प्लेसमेंट आईटीसी, डाबर, आईबीएम, एचएसबीसी, बर्जर पेंट्स, भारत पेट्रोलियम, फिनसर्ट जैसी कंपनीज में मिल सकता है। टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस इन कानपुर में आप छात्रप्रति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर को भी चेक कर सकते हैं एमबीए कोर्स के लिए। 1960 का एस्टैब्लिशमेंट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी अप्रूव्ड है। 25,000 पर एनम की फीस है और यहां पर एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स, उसके साथ साथ यूपीएससी में एक अच्छी रैंक भी होनी चाहिए। अगर आप कानपुर से एमबीए करना चाहते हैं तो आप पीएसआईटी कानपुर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2004 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, एकेटीयू से एफिलिएटेड है और यहां की फीस अप्रॉक्स 1,10,000 पर एनम की है। यहां पर एडमिशन के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए और यहां का एवरेज प्लेसमेंट 3-4 लाख पर एनम का रहता है। टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस इन कानपुर में नंबर 5 पे आता है महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कानपुर। 1995 का एस्टैब्लिशमेंट है, यूजीसी अप्रूव्ड है, छात्रप्रति साहू जी महाराज कानपुर से एफिलिएटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है। यहां की फीस अप्रॉक्स 1,19,000 पर एनम की है। यहां पर भी आपको एडमिशन ग्रेजुएशन में 50% एंड अबव मार्क्स होने पर डायरेक्टली मिल सकता है और यहां का एवरेज प्लेसमेंट 3-4 लाख पर एनम का रहता है। फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको कानपुर के एमबीए कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जरूर मिल गई होगी। अगर आप इन सब कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके सभी कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर आपको कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में कोई डाउट, कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको जल्दी से जल्दी दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।